मूवी के स्टार्ट में हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो बचपन से ही मॉडल बनना चाहती थी। ये बात वो एक दिन अपनी फ्रेंड को बताती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने कुछ फोटो क्लिक करो और उसे ऑडिशन के लिए भेज दो। लेकिन तभी कैटी को वहीं पर एक ऐड दिखाई देता है जिस पर फ्री फोटोग्राफी एंड मॉडलिंग लिखा हुआ था। तो कैटी उनका कॉन्टैक्ट अपने पास रख लेती है और घर पर जाकर उसे कॉन्टैक्ट करती है और फिर उन्हें एक पिक सेंड करती है। ऑडिशन वालों को उसकी पिक पसंद आ जाती है। फिर वो लोग उसे अगले दिन अपने स्टूडियो बुलाते हैं। कैटी उनके स्टूडियो पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात तीन लड़कों से होती है जो कि आपस में भाई थे, जिसमें एक का नाम इवान, दूसरे का नाम जॉर्सी और उनका एक तीसरा भाई भी होता है। कैटी अपने साथ कुछ कपड़े भी लाई हुई थी। इवान कहता है कि तुम जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन फोटोज क्लिक करते टाइम हम देखते हैं कि इवान उससे खुश नहीं था। वो कहता है कि तुम इससे भी छोटे कपड़े पहनो। लेकिन कैटी जो एक अच्छी लड़की थी वो मॉडल बनने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती थी, इसलिए वो उन्हें मना करती है और घर लौट जाती है। और फिर उसे एहसास होता है कि उसे मॉडल बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा, तो उसने अपने दिल से मॉडल बनने का ख्याल ही निकाल दिया था। अगले दिन जब वो जॉगिंग करके घर आती है तो उसके घर का डोर बेल बजता है, जहां हम जॉर्सी को देखते हैं जो कैटी को पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारे कुछ फोटोज हैं, जिन्हें लेने से कैटी मना कर देती है। इस पर वो कहता है कि ये आपके ही फोटो हैं जिन्हें आप आराम से देख सकती हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इन फोटोज को अपने कंप्यूटर से निकाल दिया है। इसके बाद कैटी उस पेन ड्राइव को ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ रात में हम देखते हैं कि जॉर्सी अपने कंप्यूटर में कैटी की फोटोज को बहुत गौर से देख रहा था। इससे हम समझ पाते हैं कि उसने कैटी से झूठ बोला था कि उसने अपने कंप्यूटर से कैटी की फोटो निकाल दी है। फिर जब रात में कैटी कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तब मौका देखकर जॉर्सी उसके रूम में चला जाता है। कैटी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता और रात में वो अपने बेड पर जाकर आराम से सो जाती है। और रात में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्सी उसके फोटोज क्लिक कर रहा था। तो कैटी उसे मना करती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, लेकिन वो नहीं मानता, जिससे कैटी उसके मुंह पर वार करती है और चिल्लाते हुए भागती है। लेकिन जॉर्सी उसके मुंह को बंद कर देता है और रूम के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कैटी की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी उन्हें देखने के लिए आता है, लेकिन जॉर्सी कई बार उस पर चाकू से वार करके उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद जॉर्सी एक कपड़े के टुकड़े को कैटी के मुंह के अंदर डालता है और उसे शांत रहने को कहता है। कुछ टाइम बाद जॉर्सी को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपने भाइयों को कॉल कर देता है और कुछ ही देर में उसके भाई वहां आ जाते हैं। लेकिन वो जॉर्सी को डांटने के बजाय वहां के सारे सबूत को मिटाने लगते हैं, जिससे उस आदमी का मर्डर जॉर्सी ने किया है ये पता ना चले। और फिर उस चाकू से फिंगरप्रिंट को मिटाकर कैटी के फिंगरप्रिंट को लगा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि उसका मर्डर करने के बाद कैटी वहां से भाग गई है। इसके बाद वो लोग उसके मुंह में कुछ दवाई डालते हैं और उसे गाड़ी में बंद करके उसे कहीं ले जाने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, जहां हम देखते हैं कि उन तीनों भाइयों ने कैटी को बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ होता है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है पर उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो बहुत बुरे लोगों के हाथों में पड़ चुकी थी। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जॉर्सी उस रूम में अकेले ही आता है और उसे कुछ नए कपड़े पहनाने लगता है। लेकिन मौका देखकर कैटी उस पर वार करती है और किसी तरह से वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। और वो रोड पर आकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तभी वहां पर एक डिटेक्टिव आता है जो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो डिटेक्टिव काफी अच्छा आदमी था। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैं एक लेडी हूँ, इसलिए मैं इसके दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। तो डिटेक्टिव को लगता है कि शायद ये ठीक रहेगा। फिर वो उसको कैटी को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन कैटी इस बात से अनजान थी कि वो लेडी कुछ अच्छी नहीं है, बल्कि वो उन तीनों लड़कों की स्टेप मदर है, यानी कि कैटी फिर से उनके जाल में फंसने वाली है। इसके बाद वो कैटी को उसे अपनी कार में बैठा लेती है और कैटी उस लेडी पर ट्रस्ट कर लेती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो लेडी कैटी को बहला फुसला कर अपने घर ले जाती है और उसे उसी बेसमेंट में ले जाती है जहां कैटी पहले कैद थी। वो इस जगह को देखकर बहुत डर जाती है, तब तक इवान उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लेडी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। और तभी हम इवान के डैड को देखते हैं जो उन सबको रूम से बाहर भेज देता है, कैटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और फिर एक इलेक्ट्रिक रॉड से उस पर कई बार शॉक देता है और इसके बाद वो उसका रेप करता है। इसके जाने के बाद इवान कैटी के पास आता है और उसे जोर जोर से पीटने लगता है और उसे पीटने के बाद उसी रूम के खोदने लगता है और फिर उसे एक बॉक्स में बंद करके उसी रूम में दफना देता है। लेकिन कैटी की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, उस बॉक्स के नीचे एक पत्थर होता है जो उस बॉक्स के रखते ही वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो बॉक्स नीचे गिरकर ओपन हो जाता है
अब बेटी किसी तरह बाहर आती है और वो देखती है कि नीचे एक टनल है, जिसे देखकर उसे थोड़ी खुशी मिलती है और फिर वो वहां से निकलने के रास्ता ढूंढने लगती है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, इसे खोलने पर वो एक चर्च में चली जाती है जहाँ के फादर उसकी हालत को देखकर उसे बड़े ही प्यार से उससे बात करते हैं और उसे खाना और कुछ गर्म कपड़े भी देते हैं, जिससे कैटी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और फिर वो अपने साथ हुए जुर्म का बदला लेने का डिसाइड करती है और फिर वो चुपके से ईवान के घर जाती है और वहां से कुछ पैसे चुरा लेती है। और जब अगले दिन कैटी कॉफी शॉप जाती है जहाँ पर जॉर्सी बैठा होता है, जो कैटी को देखता है और काफी हैरान हो जाता है, इसको तो हमने दफना दिया था, ये जिंदा कैसे है, और फिर वो उसे फॉलो करता हुआ उसके पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पर कैटी ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था और जब जॉर्सी अंदर जाता है तो कैटी उसे बेहोश कर देती है और फिर उसकी बॉडी में कट्स लगाने लगती है, जैसे कि जॉर्सी ने कैटी की बॉडी पर लगाया था, जिससे कैटी की बॉडी से बहुत सारा खून गिरने लगता है। इसके बाद वो जॉर्सी के दूसरे भाई के पास जाती है जो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसे फंसाने के लिए वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने को बोलती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए बाथरूम में जाता है, जिसका पीछा करते हुए कैटी भी बाथरूम में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और फिर उसका सर पकड़कर टॉयलेट की सीट में घुसा देती है, जिससे उसकी सांसें बंद होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है ईवान के फादर की, जिसने कैटी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। कैटी मौका देखकर उसके सर पर वार करती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिस तरह से उसने कैटी को दिया था, और फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं मार डालती है। अब बारी थी ईवान की मदर की, क्योंकि उसने भी कैटी को धोखा दिया था। कैटी बेसमेंट में जाकर कुछ गाना गाने लगती है, ये सुनकर वो लेडी बेसमेंट में आती है और वो कैटी को बॉक्स से बाहर देखकर बहुत हैरान हो जाती है और फिर उसे धक्का देकर बॉक्स में भरने की सोचती है, लेकिन कैटी समझ जाती है और वो उसे उसी बॉक्स के दरवाजे से पीट पीट कर वहीं बेहोश कर देती है। और ये सब आवाज सुनकर ईवान भी बेसमेंट में आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका भाई कैद था। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तब तक कैटी वहां आ जाती है और उसे भी बांध देती है और फिर उसकी मदर को तड़पाने के लिए जॉर्सी को पूरी तरह से मार डालती है। दूसरी तरफ हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो ये सब समझ गया था। वो फादर के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल पूछता है, फिर वो उस टनल से होते हुए उनके पास आने लगता है। अब कैटी का आखिरी शिकारी ईवान ही बचा था। अब वो बुरी तरह से एक मशीन से उसकी बॉडी पार्ट को काटने लगती है, लेकिन ईवान मौका पाते ही उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव वहां आ जाता है और अपनी गन से उसके सर पर शूट कर देता है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव कैटी से कहता है कि सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारी मदद उस समय ही करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस लेडी की बातों में आ गया और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। लेकिन कैटी उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उसने सारा काम खुद ही कर दिया था। इसके बाद वो बाहर निकलती है और एक स्माइल देती है जो कि काफी सुकून वाली थी, क्योंकि उसने अपना बदला इन रैपिड्स से ले लिया था। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।